हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं डेडलिफ्ट और बेंच। और डेडलिफ्ट में मैं जाऊंगा 85% और बेंच में करूंगा 90% की 2 रैप। तो चलिए करते हैं और देखिए पूरा वीडियो। मार्च में मेरा स्टेट भी है, उसी की प्रेपरेशन स्टार्ट है और तगड़े होके स्टेट में गोल्ड लाना है। गोल्ड slow down, don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. You keep it coming, I'ma send you to your mama. Pistol whip, quick clip, get the guns out. Dropping bodies into place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try, cause when the bullets. भाई पहला सेट मारा 165 की 4 रैप। लग रहा था इजी आ जाएंगी, इजी आ रही है पर चौक नहीं थी तो आखिरी रैप फिसल रही। और हाथ देखो, ये देखो ये हाल हो रखा है। और अब चौक का इंतजाम किया है, अब करने जा रहे हैं 165 की फिर 4 रैप करेंगे। और 165 की 4 रैप 4 सेट और ये मेरा 85% है। चलो हिट करते हैं फिर से। सेट मारा, चौक वर्क ही नहीं कर रही है, पता नहीं कैसी चौक है, बार बार छूट रही। ये देखो बस भाई, हम एथलीट्स को ये मिलता है, ये छाले आज छिल गया है पूरा हाथ। फिर देखते हैं, ट्राई करते हैं। अभी 2 सेट और बाकी हैं 165 के, उसके बाद बेंच करेंगे। चलो टाइट होके इस बार तो 4 रैप आएंगी, पूरा चौक लगा के करेंगे 4 रैप, इजी वन। भाई जितना सोचा था वो हुआ ही नहीं, पहले चौक धोखा दे रही थी अब शरीर धोखा दे रहा है। पहले एकदम इजी आ रही थी, अब इतना थक गया हूँ कि 4 रैप आ ही नहीं रही। सोचा था 4 रैप 4 सेट मारूंगा, अब लास्ट सेट तो करने का मन ही नहीं कर रहा। अब करेंगे बेंच, देखते हैं बेंच मूड ना ख़राब करे तभी ठीक है। चलो करते हैं बेंच। एक सेट वार्म अप मार लिया है और बेंच में हमेशा लास्ट में करता हूँ क्योंकि मेरी बेंच सही है और इसलिए मैं डेड और स्क्वाट पे वर्क करता हूँ, क्योंकि चैम्पियन वो होता है जो अपनी कमियों पर ध्यान दे। क्योंकि मेरी बेंच मजबूत है इसलिए मैं ज़्यादा बेंच पर ध्यान नहीं देता हूँ, सेकेंड रखता हूँ बेंच हर टाइम जब भी मैं बेंच करता हूँ। और आज 90% जाएंगे बेंच में, 90% की देखते हैं कितनी रैप्स आती हैं। इतना
अपना सोचा था एकदम सही रैप्स आए, और क्योंकि मेरी बेंच स्ट्रांग है, मैं जानता हूँ बेंच सही ही होगी, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि मेरी कैटेगरी के बंदे यहाँ पर 70-70 पे उनका एंड होता है, जहाँ से मेरा स्टार्ट भी नहीं है उनका वहाँ एंड होता है। बट अब नेशनल में बहुत तगड़ा, स्टेट और नेशनल में बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन मिलेगा। चलिए फिर अब चलते हैं घर और जाके लेते हैं अपनी मील और फिर पढ़ते हैं, क्योंकि फिजिक्स का पेपर है 3 दिन बाद, तो पढ़ना ज़रूरी है। फिर पेपर हो जाए उसके बाद पूरा ध्यान पावर लिफ्टिंग पे, सिर्फ पावर लिफ्टिंग। 12th के बाद देखते हैं क्या करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में आप लोगों को।